इधर बच्चियां हैं, देखकर ये भागने लगती हैं, लेकिन फिर इधर आओ आ जाओ बात करो पहले। नहीं, सोचते बार बार चेंज होने लगता है, इसलिए नहीं सोचते। ये बताओ कि मैट्रिक एग्ज़ाम जो देना है कंपलसरी सब्जेक्ट में, उसके लिए डर लग रहा है? लग रहा है, बट कोशिश तो किए हैं। अच्छा जाएगा आगे? हाँ अच्छा जाएगा। आगे क्या करना है? वो तो अभी पहले एग्जाम दे ले, फिर सोचेंगे। आज से राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। वैसे तो आज एडिशनल सब्जेक्ट था, इसलिए हम रुसलाइन स्कूल पहुँचे हुए हैं। यहाँ बच्चियाँ हैं, ये सभी टेंथ की बच्चियाँ। आज कौन सा सब्जेक्ट था? आज एडिशनल था। इम्पोर्टेंट नहीं होता क्या? इम्पोर्टेंट होता है, बट ऐसी सब्जेक्ट है जो हम किसी सब्जेक्ट में फेल करते हैं तो उसमें मिलेगा, इसका नंबर ज्वाइंट हो जाता है। मतलब देना जरूरी है? हाँ देना जरूरी, कंपलसरी है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स कब से? 20 से। डर लग रहा है मैट्रिक एग्जाम? नहीं, तैयारी है? हाँ पूरी। इधर बच्चियाँ हैं, देख कर ये भागने लगती हैं, लेकिन फिर इधर आओ आ जाओ बात करो पहले। तुम लोग, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट? आईटी। ये बताओ कि मैट्रिक एग्ज़ाम जो देना है कंपलसरी सब्जेक्ट में, उसके लिए डर लग रहा है? लग रहा है, बट डर लगने लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, देना तो है ही अब। और अच्छा देना है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा देना है। कब से स्टार्ट है कंपलसरी? अभी तो आज एडिशनल था और 20 से साइंस का है। आज का एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। कितने मार्क्स आए? पता नहीं, लेकिन अच्छा गया। अब देखिए जो चेक करेंगे कॉपी वो कितना देते हैं। ये बच्चियाँ जितनी दूर मुझे देखेंगे उतनी देर भागती जाएंगी, लेकिन फिर भी हम इनसे कोशिश करते हैं कि बात कर सकें। क्या सब्जेक्ट था इनका आज? 30 में 25 तो आ ही जाएगा, 25 के पार आ जाएगा। 30 मार्क्स का आपको, मतलब टोटल 30 था अभी में। 70 मार्क्स का हो गया था, प्रैक्टिकल मिला के हो गया था। अच्छा, ये अभी 100 मार्क्स का ही होता है? हाँ, क्वेश्चन बहुत ईजी था। हाँ, कि जो 20 से जो कंपलसरी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डर लग रहा है? हाँ डर तो हो रहा है, क्वेश्चन कैसा रहेगा। हाँ। अच्छा, मैट्रिक के बाद क्या करना है? वो तो अभी नहीं सोचे हैं। कैसे, अब तो तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा? हम तो साइंस लेने वाले हैं, पीसीबी, हमको डॉक्टर बनना है। अच्छा, बायो लेना है? हाँ। इसी उस लाइन में ही या फिर कहीं और? मार्क्स के देखेंगे, मार्क्स कैसा आएगा उसके हिसाब से, नहीं तो उस हमने उस मतलब उस लाइन ही फिक्स है। हम भी साइंस ही लेंगे। साइंस में क्या, पीसीएम या पीसीबी? ये बच्चियां हैं सभी, अभी 10th दे रही हैं, तुरंत से अब इनका प्रमोशन हो जाएगा, 11th में चली जाएंगी। अभी से ही अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं क्या करना है? मैं भी नहीं सोची हूँ। कब सोचेंगी? नहीं सोचते, बार बार चेंज होने लगता है, इसलिए नहीं। आज क्या सब्जेक्ट था? ITS। कैसा गया? बहुत अच्छा गया। आगे के एग्ज़ाम के लिए डर? नहीं उतना नहीं, पर आज का जो एग्ज़ाम किया उससे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आगे का थोड़ा कम डर है, फिर भी मेहनत करेंगे तो डर वो भी चला जाएगा। कितना मार्क्स, कितना सोच कर रखा है तुम्हें, कितना परसेंटेज लाना है? मुझे 77 लाना है। इतना लाना है? 77। क्या लगता है आगे के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा है? हाँ थोड़ा कोशिश तो किए हैं। अच्छा जाएगा आगे? हाँ अच्छा जाएगा। आगे क्या करना है? वो तो अभी पहले एग्ज़ाम दे ले, फिर सोचेंगे। फिर भी लगता है ना कि इतनी तैयारी है मेरी तो इतना मार्क्स आ ही जाएगा। हाँ वो तो लग ही रहा है। कैसे तैयारी? अच्छा है। आज का कैसा गया? बहुत अच्छा गया। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? हाँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 90+। चलिए बच्चियाँ हैं सभी, दे कितने मार्क्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे? मैम आएंगे। आगे क्या करना है? मैम आगे पढ़ाई करना है। आगे सब्जेक्ट कौन सा लेना है? आर्ट्स। आर्ट्स लेना है। आर्ट्स में सब्जेक्ट सोचा? हिस्ट्री। हिस्ट्री। आपको क्या करना है? मैम पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है? शादी नहीं करनी? मैम शादी अभी नहीं करनी है। सब्जेक्ट कौन सा सोचा है? कॉमर्स आर्ट्स। इसी उर्सुलाइन इंटर कॉलेज में? बहुत अच्छा कॉलेज है। मैम पता नहीं, अभी तो मार्क्स देखेंगे उसके बाद, लेकिन तैयारी अच्छी है मैट्रिक की। यस मैम। द followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in